हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदनान शोरो व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड आई होप क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो की बेटर आ रही होगी क्योंकि मैंने फोन नया लिया कुछ दिन पहले। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो फिलहाल आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग, आज हम जा रहे हैं कुछ प्लेसेस पे जो कश्मीर में ऑटम में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी एंड वीडियो शूट्स कर सकते हो। तो अभी हम उन प्लेसेस पे जाएंगे जो भी श्रीनगर में प्लेसेस है मिलती है ऑटम में, तो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं सारी जगहों पर। फिलहाल मैं अकेला जा रहा हूँ पहली जगह, तो उसके बाद नवीद मुझे ज्वाइन करेगा। फिलहाल चलते हैं उस प्लेस पे, तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली उसी प्लेस पे। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मैंने बोला था कि हम आने वाले हैं। तो ये है जहाँ पर आप आ सकते हो ऑटम के दौरान, यहाँ पर आप शूटिंग, वीडियो शूट, फोटो शूट कर सकते हो। देखिए लीफ वॉल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बहुत टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जब भी ऑटम होता है हर सीज़न में यहाँ आता हूँ। तो यहाँ आपको अलग ही जो डिफरेंट फील आएगा ना, पीसफुल माहौल होता है यहाँ पर अलग ही, मतलब आपको ना यहाँ पर ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना कुछ। कश्मीर यूनिवर्सिटी जो दरगाह में लोकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। मैं अभी यहाँ पर कुछ सीन्स उठाने वाला हूँ, वीडियोज़ भी, फ़ोटोज़ भी, तो वो भी आप देख लेंगे वीडियो में। तो करते हैं आपने इस वीडियो को स्टार्ट। ये हमारी पहली प्लेस है, इसके बाद एक प्लेस में देखिए। आपको नहीं लग रहा है ये कुछ एस्थेटिक फील दे रहा है, कुछ नॉस्टैल्जिया यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको भूख भी लगी है तो कैफ़े भी यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी का है। तो अभी हम चलते हैं आगे आगे, देखते हैं पूरा कैंपस अभी ऑटम के दौरान कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ के जो चिनार्स है बहुत पुरानी है, बहुत साल पुरानी है, तो ये ऑटम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, फिलहाल मैं हूँ जो सेंटर में है ब्लॉक एक, यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर ब्लॉक्स हैं जिनमें चिनार ट्रीज ग्रो किए गए हैं। तो फिलहाल मैं एक ब्लॉक में सेंटर में हूँ। मेरे पीछे से आपको दिख रहे होंगे ये जो चिनार ट्रीज कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं डिफरेंट कलर्स में। दिस शोज हाउ ब्यूटीफुल इज द थिंग्स टू लेट देम गो। तो देखते हैं अभी यहाँ पर कितनी ज़्यादा खूबसूरती आपको मिलती है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखता रहूँगा। तो मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, तो दीज प्लेसेस यू कैन विजिट ड्यूरिंग ऑटम। तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा है, पीस है, यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। यहाँ पर रील्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत उठेंगी, यहाँ पर अगर आपको वीडियो शूट करना है, फोटो शूट करना है, वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए हमारे साथ आगे आगे, देखिए हम क्या क्या करते हैं आगे ब्लॉग में। गाइज फिलहाल मैं एक स्क्वायर ब्लॉक के सेंटर में हूँ, यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स है जो डिवाइड किए गए हैं रोड्स में, बीच में रोड जाती है। फिलहाल एक ब्लॉक में हूँ जहाँ पर जो चिनार ट्रीज है ग्रो किए गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये चिनार ट्रीज। दिस शोज हाउ ब्यूटीफुल इज टू लेट द थिंग्स गो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पूरा पीसफुल माहौल होता है ऑटम के दौरान, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर फोटो शूट, वीडियो शूट, जो भी आपको यहाँ पर करना है आप यहाँ कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम आपको ले जाएंगे, तो फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए, देखिए हम वीडियो कहाँ कहाँ आपको ले जाते हैं, वीडियो में कैसा व्लॉग होता है आगे। तो चलते हैं फिलहाल, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain pours down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. No, I'm not giving. गाइज यहाँ से मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं, तो वो भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस लोकेशन से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट लोकेशन पे। A few moments later, गाइज पहुँच गए हम सेकंड प्लेस पे। तो अभी ये है निशात बाग, तो देखते हैं यहाँ का भी मौसम कैसा रहता है ऑटम में। तो फिलहाल मिली आपने यहाँ पर हीरो की एंट्री। तो गाइज मिली है नवीद से बहुत टाइम बाद। तो नवीद कहाँ था अभी तक तू? बस यूनिवर्सिटी गया था। हाँ कहाँ यूनिवर्सिटी? LPU, उसके बाद कैनेडा। हाँ हमारी जो ऑडियंस है वो नवीद को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत एंटरटेन करते हैं नवीद हमें। तो आज क्या प्लान है हमारा यहाँ पर निशात में? अभी जैसे कि ऑटम चल रहा है तो हम यहाँ पर प्लेसेस दिखा रहे हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करेंगे। तो फिलहाल ये सेकेंड प्लेस है,
तो अभी यहाँ पर भी हम वीडियोज और फोटोज दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत लगता है ये पूरा जो निषाद का बाग है ज्यूरिंग ऑटम। तो चलिए चलते देखते आगे आगे क्या होता है ब्लॉग में। 1 2 3 लुक एट दिस ब्यूटीफुल ऑटम व्यू। ये देखिए निषाद बाग कैसा लग रहा है ऑटम में, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इन डिफरेंट कलर्स में। और ये देखिए यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, हर कोई अपना अपना फोटोशूट करता रहता है ऑटम में, और आप लोग भी यहाँ पर फोटोशूट के लिए आ सकते हो। गाइज आप भी यहाँ पर वीडियोस एंड फोटोज उठाएंगे, तो अभी हम भी उठाएंगे फोटोज एंड वीडियोस, तो फिर वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर वीडियोस और फोटोज भी उठते हैं। गाइज अभी हम चल रहे हैं चिनार्स के बीच में, बहुत ज्यादा पीसफुल यहाँ पर माहौल है और यहाँ पर सारे अपने फोटोज खींच रहे हैं और वीडियोज उठा रहे हैं। तो अभी नवीद भी है मेरे साथ। नवीद कैसा लग रहा है बहुत टाइम बाद कश्मीर में यहाँ घूम के एंजॉय करके? मज़ा आ रहा है, मज़ा तो मुझे भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल चलते आगे आगे देख रहे हैं हम। अदनान अब इनको दिखाओ कि कहाँ पे फोटोज उठा सकते हैं। हाँ अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगी जहाँ पे आप फोटोज उठाएंगे यहाँ निषाद बाग में। यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप फोटो उठाएंगे। फिलहाल हम इसमें कुछ सिनेमैटिक वीडियोज भी उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे आप फोटोज उठाएंगे। तो ये सारी जो जगह है यहाँ पर जो राइट साइड में आपको मिलेगी, नहीं जब आप दरवाजे से आओगे तो आपको ये लेफ्ट साइड में लास्ट में मिलेगी। तो ये लोकेशन, ये आपको पूरी लोकेशन मिलेगी यहाँ पे आप फोटोज उठाओगे इन सारे चिनार्स के पास उठा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे से कितने लोग उठा रहे हैं फोटोज यहाँ पर। तो चलते उठाते फिर हम भी फोटोज, फिर आपको भी दिखाएंगे कैसे उठते हैं यहाँ पर। A few moments later. तो अभी हमने फोटोग्राफी की है तो इतना ना आ रहे हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे। गाइस बहुत मज़ा आया यहाँ पर फोटो उठाने में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फोटोज उठते हैं यहाँ पर। तो देख अभी हम वीडियोज भी उठाने वाले हैं, रील्स वील्स उठाएंगे तो वो भी हम वीडियोज में दिखाएंगे आपको। तो चलते अब रील्स उठाने यहाँ पर, थोड़ा सा भी यहाँ से सब भी वीडियो हमने ले लिया। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, नवीद बैग ले रहा है यहाँ से, तो वीडियोस एंड फोटोज बहुत सारे ले लिए हैं। तो वीडियो तो नवीद अश्विनती आडाम नवीद बोल रहा है फिर से वीडियो उठाओ। गाइस यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ये देखिए मैं वीडियो में दिखाऊंगा इसका दाम क्यों लोग मगर राइट। तो गाइस बहुत फोटोज उठाए वीडियोज उठाए और यहाँ पर नवीद को बेचारे को इंजरी भी हो गई, इसको बहुत लगी है टांग में, अभी साफ कर रहा है अपना नया जूता जो इसने कल ही लिया था। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बहुत फोटोज और वीडियोज उठाए। Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. ये एक और जगह है निषाद में जहाँ पे आप रील्स उठा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए पूरा रेड कलर का ये सारा एरिया दिख रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोज एंड वीडियोज यहाँ पर भी उठेंगे, यहाँ पर सेटअप भी कर सकते हो यहाँ पर। फिलहाल हम चलते आगे आगे, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे आज, शायद हम ही व्लॉग बनाने आ रहे थे इसीलिए मौसम मैं आ रहा था पर्टिकुलर नवीद आ रहा था इसलिए मौसम बहुत बेटर है, बोलना पड़ता है क्योंकि दोबारा आएगा नहीं। तो चलते हैं फिलहाल अभी हम निषाद बाग में ही है, कनाडा भी आ जाओ उधरी व्लॉग चलते हैं किसी दिन इंशाल्लाह, अगर होगा किस्मत में तो चलेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं व्लॉग। अभी यहाँ पर ये देखिए फ्लावर्स भी है, बट फ्लावर्स भी ये देखिए, बट अभी बेचारे मुरझा गए हैं तो ठीक है, फिलहाल अभी मुरझा गया तो अभी चल रहा है निषाद पार्क में।
हाँ ये निषाद पार्क है मेन। अभी निषाद पार्क की ड्यूटी टाइम है? हाँ फिलहाल तो अभी है, बस नवंबर तक हो जाएगी। नवंबर आज यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आज नेशनल में ट्यूसडे है ना आज, तो कुछ यहाँ पर नहीं आए हैं टूरिस्ट भी कुछ खास, और ना लोकल्स आए यहाँ पर आज। टूरिस्ट ही है, कश्मीरी नहीं है वही ना, यहाँ पर लोकल्स आए नहीं है, टूरिस्ट भी है कुछ कुछ, कोई कोई है, उतने ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर नवीद हमारे इस वीडियो का कॉपीराइट दिलाएंगे, म्यूट कर दे रहे। हाँ तो चलते हैं, बीच मौसम में घने सोने का, हाँ कॉफी पीने तो का। अब ये व्लॉग बनाते मेरे हाथ दुख गए हैं। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब तो आज व्लॉगिंग सीख रहा है मेरे से बातें तो अब सीख रहा हूँ मैं। अभी बाल खराब हो गए मेरे हेलमेट से, जो बाइक का हेलमेट है उसी से बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं बाल। तो ये देखिए नवीद के बाल, कल ही इसने स्मूथनिंग करवाई है। तो ये देखिए सिर्फ टूरिस्ट है, यहाँ से चल रहे हैं टूरिस्ट। तो ओ यहाँ पर आज ये भी है, CRPF भी है, ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पर आज, लोकल्स है ही नहीं उतने। तो ये याद है नवीद, ये जगह यहाँ पर हम बैठते थे सनसेट के पास, सनसेट फोटोज उठाते थे। नॉस्टैल्जिया यहाँ पर आ रहा है हमें बहुत टाइम पहले, कुछ फ्रेंड्स का वो रेस्टोरेंट है ना, फ्रेंड्स का रेस्टोरेंट, उसी की थीम पे यहाँ पे लॉन्च में भी खुला है। कब? जस्ट एक साल पहले उसको लॉन्च किया अभी, उसमें भी वो फ्रेंड्स की जहाँ काउच था वैसा ही है यहाँ पे, वो भी थीम वगैरह, अब जा सकते हो वहाँ पे। ज्यादा थक चुका है तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरी जो बाजू है वो थक गई है। ऑटोमेटिक डल लेक का व्यू, ये देखिए पीछे से, ये देखिए वेदर पीछे से। हम अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगे, हमारी शक्ल तो खूबसूरत नहीं है। ये देखो मेरा यहाँ पे इवनिंग पार्टी या म्यूजिक कॉन्सर्ट होने चाहिए। यहाँ पर इवनिंग पार्टीज बहुत जगह पे होती है, बट यहाँ पे नहीं होती है निशात में। आई थिंक इट शुड बी ये तो दिन मोली पा गई पता यहाँ पे एक बार हुआ था निशात में, शायद मुझे याद है 2009 में, जुबिन नौटियाल जब आए थे यहाँ पे, वो भी कुछ सिंगिंग कॉन्सर्ट नहीं था वगैरह, बस इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग से कॉन्सर्ट वगैरह था। तो ऐसा अगर यहाँ पे होता है जैसे बाहर में रोज होता है ऐसी सब चीज़ें, क्या बोल रहा है फोटो ले मेरा कौन? अच्छा अदनान को यहाँ पे, अदनान फोटोग्राफर है तो इसको बोल रहे बाहर के लोग हमें फोटो उठा, तो जा रहे हैं फोटो उठाने। देखिए सीनरी कितनी अच्छी है, वैसे कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इनकी शक्लें उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है। ये यहाँ पे 6 फ्रेंड्स हैं, देखिए अपने अपने तरीके से पोजेस दे रहे हैं यहाँ पे। निर्देशक है यहाँ पे, अदनान अपनी फोटोग्राफी के स्किल्स यूज करते हुए, पता नहीं अदनान की तारीफ होगी कि नहीं। कैसा लगा फोटोग्राफी उठाने? बहुत अच्छा लगा। कुछ तारीफ वारीफ मिली, कुछ टिप वगैरह? तारीफ तो नहीं मिली, उतनी खास फोटोज नहीं उठाई मैंने, 2-3 फोटोज नॉर्मल। शक्लें ठीक थी? शक्लें बहुत अच्छी, किसी की शक्ल पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैं अकल की बात कर रहा हूँ, अकल तो मेरे आज नहीं रहती इधर, अकल तो इनको पता है क्या होगी, तो इनकी अकल क्या है, इनको भी लाना था व्लॉग में, क्या बोलते हो? नहीं जरूरत नहीं है, ज्यादा ये नहीं देना चाहिए, प्रमोट नहीं करना, नहीं प्रमोट करते हैं बाहर वालों को। देखिए दरगाह यहाँ से सीधे दिख रहा है, मैं आपको दिखा, वो रहा दरगाह, ये रहा दरगाह, और वो कश्मीर यूनिवर्सिटी की इकबाल लाइब्रेरी। तो आप आओ यहाँ, थोड़ा फन करो, थोड़ा डिप्रेशन वगैरह कुछ भी है सब कुछ चला जाएगा। हाँ, फ्रेंड्स के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ लास्ट में, जो ऑटम का मुझे लगा, ऑटम में अगर आपको घर पे आप पढ़ पढ़ के या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको जिससे आपको स्ट्रेस, तो वैसा काम कर रहे हो आप, तो उससे आपको दूर होने के, उस स्ट्रेस दूर करने के लिए अगर आप कहीं आना जाना चाहते हो, तो आई थिंक ये उनके लिए ऑटम बेटर है, दीज प्लेसेस जो हम आपको दिखा रहे हैं इस व्लॉग में, यहाँ आप आ सकते हो, अपने फोटोज़ उठा सकते हो, फोटोज़ भी नहीं उठाने, बट ये एक पीसफुल जगह है जहाँ पे आप आ सकते हो, मज़े कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बहुत पीस मिलता है यहाँ पर, बस नून चाय साथ लाना। बस लाना, और जो मतलब एक हिसाब से सोल जो होता है ना वो पीसफुल बन जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं ज़्यादा ये बोलने लगा, आप सीरियस हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर, कहीं मैं संदीप महेश्वरी ना बन जाऊं। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नून चाय, हम ब्लॉगर ही ठीक है, आज नून चाय पीते हैं, मुझे बहुत टाइम हुआ मैंने नून चाय नहीं पी, मुझे कॉफी के ज्यादा। यहाँ पर कहाँ मिलेगी नून चाय? वो चाय जहाँ है ना, यहाँ पर कहाँ मिलेगी उतनी? वो है वहाँ पे, तो गाइस देखिए फ्लावर्स अभी भी, अभी थोड़ा नवंबर में भी फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ?
नेक्स्ट प्लेस हम वही पे रिवील करेंगे, ऐसे सरप्राइज खराब हो जाएगा इनका। अच्छा, तो सरप्राइज भी देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। हाँ, तो सब्सक्राइब और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लो, फन आने वाला है आगे के वीडियोस में, और ज्यादा फन आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंट वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि विंटर इज कमिंग, क्योंकि विंटर इज कमिंग। सो नए नए वीडियोस भी आएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, स्नो भी होगा, बाहर के फोटोग्राफी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के भी लोग यहाँ आए और यहाँ पे फोटोग्राफी करें। हाँ, अपने कल्चर को सभी भूल चुके हैं। तो मैं सच बताऊँ, मैंने कनाडा में देखे वहाँ पे कुछ बाहर के लोग थे जो कश्मीरी कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हम होके कि हम भूल चुके हैं। जो है कश्मीरी कल्चर, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और मतलब आई थिंक कश्मीर ही है, कश्मीर यही है, कश्मीर ट्रेडिशन से ही चलता है। कश्मीर अगर जाना जाता है कहीं तो उसके ट्रेडिशन से जाना जाता है। बाकी हम दूसरी प्लेस में मिलते हैं, अभी के लिए बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, भी बहुत मज़ा आ रहा है बाइक पे और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम अभी जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ पे आप श्रीनगर में विजिट कर सकते हैं ऑटम सीजन। तो ये अभी फोर्स देखिए बुलवाड़ रोड, तो अदनान कह रहे हैं कि ये वो जगह है, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये एक्चुअली पार्क जैसी नहीं है, अभी तक हम आपको पार्क दिखा रहे थे, बट ये पार्क नहीं है, ये रोड है, बुक्का रोड है, ये पोस्टर साइड से यहाँ पे भी फोटो लेते हो रही है। ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा रोड, यहाँ पे आप वीडियोस भी उठा सकते हैं, फोटोज भी उठा सकते हैं। ये लोकेशन एग्जैक्टली राजभवन जहाँ पे उतरी है लग रहा है, ये लोकेशन पूरा, ये रोड कितना खूबसूरत है। राजभवन मेरा घर है यहाँ से, अमेजिंग प्लेस है। अभी हम यहाँ पे फोटो कुछ फोटोग्राफी। तो गाइज हम अभी आपको ये रोड भी दिखाएंगे, यहाँ पर ग्रीन येलो ऑरेंज जो यहाँ पर सारे ट्रीज है, उन्होंने एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ इस पूरे रोड पे बनाया है, तो दिखाते हैं अभी आपको ये रोड। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज जो ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शायद कैमरा में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना हमें यहाँ पर देख कर लग रहा है। तो ये पीसफुल जगह तो नहीं है यहाँ पर, ये वीआईपी एरिया है, यहाँ के राइट साइड में राजभवन पड़ता है और लेफ्ट साइड में फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला का घर है, तो ये वीआईपी एरिया है और शूट कर रहे हैं। ठीक है, चौकस रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी एरिया शूट नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब हम कुछ फोटोग्राफ उठाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह पे। चलिए ठीक, मुझे एक्चुअली लग रहा था शायद ये लोकेशन फ्लॉप, मतलब एक हिसाब से मेरे हिसाब से गलत लोकेशन है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शूट कर रहे हैं फोटोज एंड वीडियोस, तो अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप फोटोज एंड वीडियोस ऑटम में उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बाकी कश्मीर से जो ऑटम की जगह है उनसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कलर्स के आपको मिलेंगे पूरे इस रोड पे, जो लीव्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। तो दिखाते हैं आपको वीडियोस हम उठाते हैं अब यहाँ पर पूरे रोड। गाइज अब हम इस जगह से भी जा रहे हैं, तो चलते एक और जगह जहाँ पर हम कुछ और वीडियोस भी उठाएंगे और आपको भी दिखाएंगे वो जगह। गाइज ये है फाइनल लोकेशन जिसका नाम है चिनार पार्क, तो ये है नवीद मेरे पीछे, तो फाइनली हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। तो ये है ब्रिज चिनार पार्क का, तो अभी हम यहाँ आए हैं, तो देखते ऐसे लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है ये ऐसे, तो मैं इससे पहले भी यहाँ आया हूँ, तो फिलहाल आपको दिखाते हैं पूरा जो चिनार पार्क है वो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से डल गेट का पूरा व्यू आ रहा है। ये देखिए गाइस थोड़ा शाम हो गई है तो इस वजह से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट फिर भी ये जो पूरी पार्क है कितनी खूबसूरत लगती है ये ऑटम के दिनों में। ये देखिए गाइस यहाँ पर नवीद डर डर के चल रहा है। तो गाइस फाइनली हम आ गए चिनार पार्क में, जोर बच्चे जोर कर का। और यहाँ पर ये देखिए चल रहा है, यहाँ पर एक गर्मी कर रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ, कैफे, यहाँ पर भी देखिए फोटोज उठा रहे हैं सब, यहाँ पे चाय पीते अभी अदनान और मैं, औकात है औकात है। तो गाइस ये देखिए एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पर टूरिस्ट का, ब्यूटीफुल इवनिंग इन चिनार पार्क श्रीनगर, मतलब घूमते रहते हैं हर जगह। फिलहाल यह है कश्मीर की इस ब्यूटीफुल पार्क में,
तो बहुत ज़्यादा शाम हो गई है उस वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट बहुत अच्छी पार्क है जहाँ पे आप फोटोज फोटोज और पीस के लिए आ सकते हैं। ये डल गेट में है जगह, डल गेट में आप चिनार पार्क आ सकते हो ईजिली, वहीं से आपको मिलेगी। तो फिलहाल आप एंजॉय करते हैं यहाँ का ये सारा व्यू, वैसे भी अब शाम हो गई है तो ये आई थिंक लास्ट प्लेस है हमारी। ये देखिए इनका भी एंजॉय तमीज आना यहाँ पे इवनिंग में, और ये देखिए हमने एंजॉयमेंट इन चिनार पार्क। ये देखिए गाइस 700 साल पुराना पेड़ 300 साल तो क्यों गए हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री पर मुझे ये देखिए गाइस यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं, लग रहा है शायद यहाँ पर प्रोग्राम वोग्राम कुछ हो रहा है आई थिंक, तो होता होगा शायद, अभी नहीं हो रहा है बट होता होगा शायद यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। तो तो वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, मैं अभी बुलवाड़ जाना है। ओ हाँ, अभी जाना चाहते हैं ना बुलवाड़ तो चलते हैं अभी हम यहाँ से बुलवाड़ दिखाते हैं आपको बुलवाड़ का नाइट चाय, उसी के साथ हम चाय वाय पियेंगे या जो भी हम खाएंगे वो आप एंजॉय की है। ब्लॉग में कंटिन्यू, अब ब्लॉग कंटिन्यू देखिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, नाइट व्यू देखिए फोर शोर का मजा कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं बुलवाड़ और करते हैं हम मजा, वहीं से ब्लॉग एंड करेंगे आज। तो अब हम आए हैं डल गेट के इस खूबसूरत नाइट व्यू को देखने, जो यहाँ पर नेहरू पार्क के पास आपको हाउस बोट्स भी दिख रही होंगी मेरे पीछे, घाट नंबर 2 के पास। फिलहाल हम यहीं पे एंजॉय करते हैं, आप भी देखते रहिए नज़ारे को। देखो मिलेगा कहीं पे कश्मीर के बगैर ये नज़ारा, वाह कैसा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है अभी क्योंकि डल की सर्दी भी आ रही है, बट फिर भी एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ का। देखिए शाम को कितना अच्छा व्यू होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना टूरिस्ट का रश भी है अभी। क्या व्यू है, प्राइसलेस प्राइसलेस बेशकीमती, एग्जैक्ट वर्ड यूज प्राइसलेस। खासवा لوگ بنا گو پاپلر ریٹ ڈسکس کر رہے अदनान बार्गेनिंग कर रहे हैं, इतना भी मत गिरो। जहाज गई मत पाक पाक आई बारह बजे मैं नहीं मान रहे हैं। चलिए आना ये छुपर मान ला के हेलमेट, तुमसे ना हो पाया, तुमसे ना हो पाया। हाँ जी पहुंचे यार, कुछ ठीक है ना यार, कुछ ठीक है। अदनान क्या हुआ, बार्गेनिंग नहीं हो पाई एक्चुअली। हम मैं इसको बोल रहा था कि 200 में फाइनल कर दो, बट नहीं मान रहा है, बोल रहा है 250। बट आई थिंक लोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा है 250, और वैसे भी हम स्टूडेंट्स हैं अभी। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद मैं इसको अभी कमाया कुछ नहीं YouTube से, अभी कमाया कुछ नहीं YouTube से। हाँ पहले आप सब्सक्राइब कर लो, उससे ATM कार्ड मांग लेना, वहाँ ATM कार्ड है ना लेक में। हाँ क्या मांगा ATM कार्ड, हमारे पास 200 ही थे अभी, तो क्या करें। ATM कार्ड था ना मेरे पास, लेक में निकालते वहाँ पे है ना ATM कार्ड। क्या अपॉर्चुनिटी, लूज अपॉर्चुनिटी, हाय हाय। यहाँ पे बहुत मजा आता है, ये तो मैंने पूछा। अदनान को दूसरा मिल गया कोई व्यू, देख
सकते हैं। अदनान और मैं शाम को जा रहे हाउस बोट पे। कोई गया उल्टा है यहां गैस ना बाबा वो तो खोचा ना तो यहां गैस ना कौन है चाहे खोचा ज्यादा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शाम को हाउस बोट ना हाउस बोट ना क्या मैं गलत सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं बहुत शाम हो गई है तो हम जा रहे हैं बोट में गोल्डन लेक तक यहां तक नेहरू पार्क तक नहीं होता सुखो तो खोचा नहीं होता चलो। तो चलते हैं करते हैं इस नाइट वेव को एंजॉय यहां पर फोर शोर में। ये हम नवी मुझे हेल्प कर रहा है लाइट डाल रहा है बेचारा। तो ये तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है बैग का ना सब तो खोचा नहीं होता चलो खोचा। ये देखिए शाम का खूबसूरत नजारा डल लेक का कितना अच्छा लगता है यहाँ पर लाइट्स की तरह ना। और यहाँ पर हमें पूरी खबर मिलते हुए यहाँ पर लाइट सी गई और अब हम क्या करें हमारा सारा प्लान बुलेटिन न्यूज़ बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। हेलो ये देखिए बेचारे नवीद का लाइट्स नहीं है बेब्स लाइट्स नहीं है यहाँ पर बट फिर भी हम आपको दिखा देते हैं सारा व्यू। अभी हम डल लेक के बीचों बीच यहाँ पर चल रहे हैं इतनी रात को टाइम क्या है टाइम यहाँ पर छः और टाइम यहाँ पर अभी 6 बजे है और जैसा कि आप लोगों को पता अभी विंटर है तो विंटर में जल्दी शाम हो जाती है यहाँ पे आपको हर कोई सर्विस मिलेगा यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी मिलेगा जो डल लेक के बीचों बीच है। ये देखिए हाउस बोट से बुक कर सकते हैं अच्छे लग रहे हैं ये हाउस बोट से आप ले सकते हैं फैमिली के साथ यहाँ पे एक बार आना चाहिए या अगर आप लोकल्स भी है फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोकल्स को एलो नहीं करते यहाँ पर ये चुना लोकल एलो कर नजर आता हाउस बोटस में लोकल एलो करान तेरी कुछ वन फ्लोटिंग बारबेक्यू देख सकते हैं ना वो देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा कैसी सर्विस है दल में क्या है देखा अदनान क्यों नहीं खाया आपने ये यूनस में पावर जनाब पावर शोज को मान जनाब अगर वो मान जैसा देगा यहां पे बदकिस्मत ये है कि यहां पे पावर नहीं है लाइट नहीं है अभी। ओह गाइस दिस ब्यूटीफुल गोल्डन लेक क्या खूबसूरत दिख रहा है ये गोल्डन लेक सारा यहां से सेल्फी ले लीजिए तो गाइस हम इस अली को सेल्फी नवीद को उठा लिया तो उठाते हैं सेल्फी तो करते हैं एंजॉय इस पूरे हाउस बोट वेव को शांति पीस यहाँ पर कितना है। और यहाँ पर हमारी ये बोट की जर्नी खत्म होती है बहुत स्मूथ रही बहुत वार दिस इज हाउ वी हैव टू फ्रॉम हियर स्टार्ट करते हैं। कैसा मजा बहुत ज्यादा मजा आया तुम कह रहे थे व्लॉग फिनिश करो मैंने बताया बुधवार जाएंगे मजा हां बहुत ज्यादा मजा आया बट लाइटिंग नहीं थी। हेलो 2 आवर्स लेटर तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं चाय पीने आए हैं हम यहाँ पर नेहरू पार्क के पास तो नवीद पर एंजॉय कर रहे हैं हम ये व्यू सारा। नवीद भाई ऐसा लग रहा है कैसा दिन रहा आज का दिन थोड़ा एग्जाम भी था उसका थोड़ा उसके बाद चिल्ले सो हाँ तो अभी हम एंजॉय करते हैं इस चाय को और शाम को ऐसे मौसम में हम एंजॉय करते हैं फिलहाल चाय तो फिर करते हैं चाय के बाद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बटर तंदूरी बटर रोटी और चाय गर्मा गर्म चाय घर में ये चाय हम पीते नहीं लेकिन बाहर देखो 30 रुपए में एक कप मिलता है। ठीक है गाइस बैठे अल्लाह हाफिज मिलते हैं अदनान के नए व्लॉग में करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।